नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंडेक्स लाइसेंस कैसे रिन्यू किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडेक्स इंस्टॉल करने के बाद कुछ दिन बाद आपको ये वाला मैसेज आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री लाइसेंस, नॉन प्रोफेशनल यूज, स्टार्ट टायर लाइसेंस और बाय। और आप अगर इस सिचुएशन में किसी भी यूज़र को कनेक्ट करने जाओगे, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किसी की यूज़र को मतलब कनेक्ट करने जाओगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 20 सेकेंड का बार मुझे मिल रहा है। तो पहले आपको 10 सेकेंड मिलेगा, उसके बाद 20 सेकेंड, उसके बाद 30 सेकेंड, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दो तरीका बताऊँगा जिसके मदद से आप इसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो, आपका जो इंडेक्स है वो आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दो तरीका क्या है, आप अगर एक होम यूज़र हो तो आपका जो विंडोज़ है उसको रीइंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आपका इंडेक्स फिर से इंस्टॉल कर लीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों का जो विंडोज़ रजिस्ट्री है वहाँ पे सेट हो जाता है और उसी के हिसाब से आपको ये वाला मैसेज मिलता रहता है, मतलब आपका लाइसेंस कितना दिन रहेगा, आपको फ्री कितने दिन मिलने वाला है, ये सब कैलकुलेट होता है रजिस्ट्री के मदद से। तो आप अगर रीइंस्टॉल कर लेते हो विंडोज़ को और फिर से इंडेक्स इंस्टॉल करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसके बदले में आप अगर चाहते हो कि मुझे विंडोज़ रीइंस्टॉल नहीं करना है तो आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हो, चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स को क्लोज कर लेना है पहले। और यहाँ पे देखिए इंडेक्स रेडी बोल के इसको हम क्विट करेंगे यहाँ से, तो इसको आपको बंद करना है। देखिए बंद हो चुका है, यहाँ पे अभी नहीं है इंडेक्स, तो बैकग्राउंड में चलता रहता है, इसके वजह से आपको पहले बंद करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इंडेक्स बोल के सर्च कीजिए तो बहुत सारा फोल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप अगर रजिस्ट्री एडिट कर पा रहे हो तो रजिस्ट्री एडिट करके भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है रजिस्ट्री एडिट करना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऐप डेटा के अंदर एक इंडेक्स का फोल्डर है, उसको हम लोगों को डिलीट करना है। तो यूज़र के अंदर देखिए सी ड्राइव, यूज़र, सर्वर, ऐप डेटा। तो चलिए हम यहाँ से एक बार चलते हैं, सी ड्राइव, यूज़र्स, सर्वर। देखिए ऐप डेटा का कोई फोल्डर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे फोल्डर एक्सटेंशन को शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, यहाँ पे व्यू पे जाइए और जितना भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर है इसको आप शो कीजिए। देखिए अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। देखिए अभी जो है ऐप डेटा यहाँ पे मुझे विजिबल दिख रहा है, इसके अंदर जाइए तो देखिए लोकल रोमिंग के अंदर है, इस इंडेक्स को हम लोगों को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट कीजिए। देखिए डिलीट हो चुका है। आपका अगर इजी तरीके से डिलीट होता नहीं है तो आप एक बार परमिशन चेक कीजिए, मतलब सिक्योरिटी वगैरह चेक कीजिए। अगर आपका एवरीवन या एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन नहीं है तो उसको आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक फोल्डर के ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाइएगा और सिक्योरिटी में चेक कीजिएगा एवरीवन एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको फुल परमिशन दे दीजिए, डिलीट हो जाएगा आराम से। और उससे पहले आपको एक बार इसके यहाँ से क्विट करना पड़ेगा, मतलब आपका जो इंडेक्स का प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा है उसको आपको क्विट करना पड़ेगा। अभी दोस्तों अभी क्या करना है, अभी और एक फोल्डर को आपको चेक करना है, तो आपको जाना है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे आपको सिस्टम 32 में जाना है, सिस्टम 32। और देखिए सिस्टम 32 में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे ड्राइवर स्टोर के अंदर जाइए और यहाँ पे देखिए फाइल रिपोजिटरी, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप इंडेक्स सर्च कीजिए। आपको अगर मिल रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ड्राइव में आपका
सेव होके रह जाता है। मतलब जितना सारा फाइल वगैरह है आपको एक बार डिलीट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है प्रोग्राम डेटा इंडेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट में जाके रन में जाना है और परसेंटेज प्रोग्राम डेटा परसेंटेज बैकस्लैश इंडेक्स करके आपको सर्च करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कीजिएगा क्या, यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए और फोल्डर में आप लिख लीजिए कॉन्फिगरेशन बैकअप, लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए दो कॉन्फिगरेशन फाइल आपको दिख रहा है, सर्विस एंड सिस्टम, इसको आप यहाँ से काट कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए अभी नहीं है, अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी देखिए मैं यहाँ पे इंडेक्स को एक बार ओपन करके दिख रहा हूँ। देखिए अभी जो है इंडेक्स डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुझे परमिशन दे रहा है, डू यू वॉन्ट टू अलाउ फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस टू दिस कंप्यूटर। तो पहले आप अगर इंडेक्स इंस्टॉल करते हो तो आपको ये वाला मैसेज देखने को मिलता है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको व्यू मिल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, रिसेंट सेशन तो नहीं है, तो मेरा जो दूसरा कंप्यूटर है उसका इंडेक्स यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा वहाँ पे जो बार पहले आ रहा था वो अभी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1476806876। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ही है, अभी कोई बार वगैरह हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पे देखिए आराम से आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो। और जो 10 सेकेंड 20 सेकेंड का जो बार पहले मिल रहा था अभी देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का और हो सके तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। और दोस्तों मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। मैं यहाँ पे कोई भी मतलब क्रैक वगैरह यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब के तरफ से वार्निंग आ जाता है कि आपने ये वाला यूज़ किया वो वाला यूज़ किया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यूट्यूब को भी बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी क्रैक वगैरह की यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ये वाला वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में डालिए और क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।